नमस्कार, स्वागत है आपका सीएमएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कनिका। जैसे ही मुरादाबाद लोकसभा सीट से प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को प्रत्याशी घोषित किया, वैसे ही कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कांग्रेसियों ने जोश में होश खो दिए और रात में ही सड़कों पर निकलकर राज बब्बर जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुरादाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राज बब्बर के प्रत्याशी घोषित होने के साथ तमाम सियासी अटकलों पर भी विराम लग गया। देर रात कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर को मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। राज बब्बर के प्रत्याशी घोषित होते ही कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी की। पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन में कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ दिया। हालांकि देर रात तक मामले में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं हुआ। मुरादाबाद लोकसभा में प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के चुनाव लड़ने की पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। राज बब्बर की घोषणा को लेकर जिला कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। आतिशबाजी की पूरी व्यवस्था की गई, लेकिन शाम 6 बजे तक अधिकृत सूची जारी नहीं होने से कार्यकर्ता निराश लौट गए। रात करीब 9:15 बजे कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की सूची के साथ राज बब्बर के मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने चौमुखा पुल के पास आतिशबाजी कर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं की आतिशबाजी की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कार्यकर्ताओं से नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। आपको बता दें कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद राज बब्बर 17 मार्च को मुरादाबाद आएंगे। कांग्रेसियों ने उनके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नूर हसन, मुरादाबाद, सीएमएन न्यूज। अगर सरकार को परेशानी है हमें मतलब चुपका, हम कोई सॉरी देख लिया मैंने, दिखा नहीं हमारे 10:30 बजे हमारे प्रत्याशी का ऐलान हुआ है। जिला व महानगर में बहुत गुस्सा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष घर पर निवास पर उनको मतलब बधाई देने आए हैं। अगर बधाई देना अगर गलत है, इस संविधान में गलत है, तो भाई हमको जी क्या पूरा मामला था, क्यों पुलिस आपको रोक रही? 10:30 बजे हमारे प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ, जो हमारे दिल के स्टार हैं और मुरादाबाद के आने वाले एमपी हैं। बिल्कुल बता दिया आपको, एमपी हैं। हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन को परेशानी हो रही है कि हम क्यों इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हमारी बात ऊपर तक पहुँचा नहीं। पुलिस का कहना यह था आप लोग एक साथ इतने इकट्ठे होकर के चल रहे थे, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, क्या मानते हैं? उल्लंघन तब होगा, हम कुछ सभा कर रहे हैं, इतने लोग नहीं जा रहे, पैदल चल के जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष को बधाई देने के लिए, तो क्या माने इसको? अब ये आप सोच रहे हो क्या सड़क पे चल के आया, पुलिस रोक रही थी आपको जाने से? पुलिस तो कुछ भी कर रही है, पुलिस रोक रही थी, इसके लिए क्या कहेंगे? पुलिस जो रोक रही है, पुलिस क्या क्या रोक रही है, पुलिस क्या क्या कर रही है, क्या क्या बताएंगे? चुनाव होगा, पार्टी लड़ेगी, अब बता दी अभी डर रही है, क्या कर रही है? अभी पता नहीं, एक महीना बड़ा अभी पता नहीं, एक महीना हमारे कई डेट डिक्लेयर होते हैं, खलबली मच गई। उन्होंने कहा अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो सर आचार संहिता तो लागू है ना सर? अब इसकी जानकारी करके इसमें कार्रवाई होगी, जो भी होगी ठीक है, मानते हैं कार्रवाई होगी इस पर। अब देखो क्या है, अगली बात का भी पता चलेगा क्या।